Hello students, welcome to Vidya Mandiri classes. Today we are going to discuss a very important chapter of chemistry, that is atomic structure. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे लिए आखिर कितना इम्पोर्टेंट है. ये डिस्कस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो पास्ट ईयर सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आए थे उनके सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं कि वो अलग सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बने थे. ओके, इसके लिए मैंने क्या करा है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. वो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने क्या बनाए हैं जिनमें से पास्ट ईयर में क्वेश्चन बने हैं. सेक्शन ए, आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए मेरे पास में क्या है, डेवलपमेंट अप टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. व्हाट इज सेक्शन ए? इट इज डेवलपमेंट अप टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, इस डेवलपमेंट में क्वेश्चंस किस किस से आते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, लाइमन वाल्मर सीरीज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो डिटेल और बोर एटॉमिक मॉडल है उससे भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं. ओके, सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैंने उसे लिख दिया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अनसर्टेन प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन आते हैं. और सेक्शन सी क्या हमारे पास में? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो जेई मेंस में है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर नहीं आता, इस वेव फंक्शन वगैरह की इक्वेशंस वगैरह नहीं आती. ठीक है, नोड्स के पोजीशन वगैरह पता करना ये सब कुछ नहीं आता, थोड़ा बेसिक लेवल का आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम नंबर्स, नो डाउट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई कितने भी डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. तो क्वांटम नंबर्स के अंदर आता है, और आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के किसी भी लेवल के क्वेश्चन आपको या तो जेई मेन जेई एडवांस में मिल सकते हैं, पर अभी हम डिस्कस क्या करें जेई मेन के बारे में. तो एक तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ए, डेवलपमेंट अप टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. अगर हम 20 इयर्स की बात करें, यहां 20 इयर्स में किसको कह रहा हूं, 1999 से 2018 तक, 20 इयर्स में, इन 20 सालों में एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 25 क्वेश्चंस फ्रेम हुए. 20 सालों में 25 क्वेश्चंस फ्रेम हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे, जो AIEEE जो पुराना हमारे पास में जेई मेन था उसमें, और जो जेई मेन है उसको मिला के मैं कह रहा हूं. और इन 25 क्वेश्चन में से ये जो हमारा पार्ट ए है इनमें से 12 क्वेश्चन आए. ओके, फिर 2019 जो जेई मेन था जो जनवरी और अप्रैल दोनों में हुआ था उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से. उन 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है इस पार्ट ए से मिले. फिर जो 2020 का जेई मेन हुआ था उसमें टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर में 5 क्वेश्चन आए थे और 3 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आए थे. तो इस बार के आपके जनवरी वाला जो जेई मेन था इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन अगर इस वाले पार्ट में से आए हैं तो अब चांसेस क्या बनते हैं कि अब नेक्स्ट वाला जो जेई मेन होने वाला है आपका आने वाले महीनों में, जो अप्रैल में स्केड्यूल था पर कोरोना की वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, काफी ज्यादा पोस्टपोन्ड हो गया, थोड़ा गया. तो उसमें अगर जनवरी में ज्यादा वेटेज जो है पार्ट ए को दी गई है तो चांसेस बनता है कि हमारे पास में जो नेक्स्ट जेई मेन होने वाला है उसमें पार्ट बी या पार्ट सी को ज्यादा वेटेज दी जाए. ओके, अब देखो पार्ट बी, जो पार्ट बी है उसमें 20 इयर्स में से क्वेश्चन कौन सा है, 1999 से 2018 तक की बात कर रहा हूं, 25 में से 7 क्वेश्चंस फ्रेम हुए पार्ट बी में से. ठीक है, क्वेश्चंस का नंबर कम है. और 2019 जनवरी और अप्रैल में जो हुआ था जेई मेंस उसमें पार्ट बी जो है उसमें से 12 क्वेश्चन जो थे टोटल इसके थे मेरे पास में, और जो 12 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे उसमें से 3 क्वेश्चन ही पार्ट बी से आए. दैट मींस का वेटेज काफी ज्यादा कम है. जनवरी में 2019 जनवरी अप्रैल में जो जेई मेन हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो थे पार्ट ए में से थे, और पार्ट बी में से कितने थे हमारे पास में 3 क्वेश्चन थे. अब 2020 जनवरी मेंस के अंदर जो इस बार आप लोगों ने शायद दिया होगा, नो डाउट सबने दिया होगा और आपका अच्छा भी गया होगा पेपर, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आए थे 5 में से एक क्वेश्चन ही सेक्शन बी या पार्ट बी का आया था. फिर पार्ट सी, पार्ट सी जो हमारे पास में मेनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जुड़ा हुआ है उससे देखते हैं. लास्ट 20 इयर्स में 25 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसके मिले, तो आप देख सकते हैं पार्ट बी और पार्ट सी को अभी तक जो है जी एडवांस के लिए बचा के रखा था, आईआईटी जेई के लिए बचा के रखा था. ओके, और पार्ट ए के क्वेश्चन तो जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में वहीं से फ्रेम होते हैं, बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जनरली इससे फ्रेम होते हैं. ओके, फिर पार्ट सी जो है लास्ट 20 इयर्स में 25 क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आए थे उसमें से 6 क्वेश्चन जो है पार्ट सी से आए. फिर 2019 में जनवरी और अप्रैल में जो जेई मेन हुआ था उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, उसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी से आए थे. फिर 2020 जनवरी के अंदर जो मेंस हुआ था जो इस साल आप लोगों ने दिया होगा, टोटल 5 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, उसमें से ये एक ही क्वेश्चन आए. ठीक है, दैट मींस जब भी जेई मेन में एक चैप्टर के एक पर्टिकुलर सेक्शन को
जो है कम वेटेज दिया जाता है, डेट मीन्स या तो जेई एडवांस में अच्छे से आने वाला है, और वैसे ही जेई में अब तो साल में दो बार हो रहा है, तो जेई में इनके सेकेंड वाला जो पार्ट होगा उसमें शायद उसका ज्यादा वेटेज देगा। तो ये जो एनालिसिस है इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है अपने जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए जो मेरे पास में सेक्शन ए जो है, इट इज डेवलपमेंट अप टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये सेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, दिस सेक्शन इंक्लूड्स टॉपिक लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिटेल्स ऑफ द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तीन सेक्शन है इसके अंदर। तो चलो जल्दी से आपके टाइम को बचाते हुए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक मेटल के सरफेस के ऊपर फोटोन गिरेगा, लाइट गिरेगी, एक फोटोन गिरेगा, अगर वो फोटोन की फ्रिक्वेंसी सुटेबल फ्रिक्वेंसी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, अगर दो फोटोन गिरेंगे सुटेबल फ्रिक्वेंसी के तो दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे, तो अगर एन नंबर ऑफ फोटोन गिरेंगे तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम क्या रखा गया, इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है, कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, जो फोटोन की टोटल एनर्जी होगी उस फोटोन की एनर्जी के मेनली हम दो पार्ट मान लेंगे। जो पहला पार्ट होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है, जो भी मेटल होगा उस मेटल में इलेक्ट्रॉन को बाउंड स्टेट में मानेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट में लाने की जो एनर्जी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और ये एनर्जी मिलेगी कहां से, नो डाउट फोटोन की एनर्जी से मिलेगी। तो फोटोन की एनर्जी का काफी सारे जो पार्ट है वो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब फोटोन की एनर्जी का कोई पार्ट बचा है तो वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। So, the energy of the incident photon, the energy of the incident photon, यहां लिखा है the energy of the incident photon is equals to kinetic energy of photoelectrons plus work function. Energy of incident photon कैसे लिखते हैं, I think Planck's quantum theory अब सबको आती है। Energy of incident photon कितना होगा, h nu या sc upon lambda। तो जो work function है उसको भी कैसे लिखेंगे, h nu naught या sc upon lambda naught। What is nu naught, it is threshold frequency, and what is lambda naught, it is threshold wavelength. Okay, फिर हमारे पास में आता है कि nu naught को और w naught जो है हमारे पास में जो जिसको हम बोलते हैं work function, इसको threshold energy भी बोल सकते हैं photoelectric effect की। इसका मतलब क्या है कि जब photon का energy इस threshold energy से ज्यादा होगा उसी के बाद photoelectrons move करना start करेंगे, और जब electron move करना start करेगा तभी क्या होगा, current develop होगा। Okay, तो देखो हमारे पास कुछ पॉइंट क्या बनते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर फॉर मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन द इंसिडेंट एनर्जी, फॉर द मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन द इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, जब तक उससे ज्यादा नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अब देखो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक ऑपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं। उस ऑपोजिट पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या बनती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली जो क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आते हैं वो डायरेक्ट इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस पर आते हैं, डिस्कस भी करेंगे जेई मेन में जो क्वेश्चन आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ जो है यहाँ प्लॉट कर रखे हैं। तो देखो फर्स्ट मेरे पास में अगर कोई आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर, तब देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। अब उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, प्लैंक कांस्टेंट एच के बराबर होगा, ठीक है, एच के बराबर होगा, और उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, h nu naught। अब हमें पता है कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए, पर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ जो है इसी पॉइंट से स्टार्ट करा गया, nu naught से स्टार्ट करा गया। जब भी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इस nu naught के बराबर होगी और जब उसके आगे हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, तभी काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा।
ग्राफ पेपर के अंदर आए हैं, 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर भी ग्राफ पूछे गए थे। ओके, फिर हमारे पास में बनता है कि काइनेटिक एनर्जी का लाइट की इंटेंसिटी से क्या लेना देना है, जी कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को देख सकते हैं, इसमें कहीं भी काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी को रिलेट नहीं करा है। पर एक बात आप याद रख लेना, इंटेंसिटी का लेना देना जो है, जो इंटेंसिटी है वो करंट को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? करंट को। अगर मैं कहूं कि मैंने जो लाइट यूज करी है उसकी सुटेबल फ्रिक्वेंसी है और सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट की इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं? नंबर ऑफ फोटोन। सोचो सुटेबल फ्रिक्वेंसी के पहले मेरे पास में 10 फोटोन गिर रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो करंट क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। अगर सुटेबल फ्रिक्वेंसी के नंबर ऑफ फोटोन जो है अब वो 1000 हो जाए, दैट मींस मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अगर 1000 फोटोन इकट्ठे गिर रहे होंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएंगे, दैट मींस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। और उससे क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कब डिपेंड करते हैं? जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सुटेबल, जो हमारे पास में सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट मींस वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक ग्राफ यहां पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। जब ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेगी तभी अचानक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे। फिर अगर लाइट की लो इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। अब अच्छा देखो क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को देखिए मेरे पास में, डेट ई इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये मेरे पास में है, या एस सी अपॉन लैम्डा हम कर देते हैं। तो जब भी आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको दिक्कत क्या आएगी? आपको इक्वेशन लिखने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको मेरी दिक्कत क्या आएगी कि सर इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह है उनकी वैल्यू बड़ी अजीब है और उनको मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना थोड़ा सा टीडियस हो। तो आपको करना क्या है, देखो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी है। जब भी H इंटू सी यूज करना हो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब भी आपको H इंटू सी, H मतलब लाइट कांस्टेंट और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट आपको यूज करना हो, तो आप H इंटू सी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लेंगे? 20 मल्टीप्लाइड 10 की पावर माइनस 26 जूल इंटू मीटर। कितना है? जूल इंटू मीटर। सोचो अगर मुझे एस सी अपॉन लेमडा करना है तो मैंने एच इंटू सी तो कर लिया, अब मुझे लेमडा मीटर में रखना चाहिए ताकि एनर्जी किसके अंदर आए? जूल के अंदर आए। एनर्जी किसके अंदर आए मेरे पास में? जूल के अंदर आए। अब अगर वेवलेंथ मुझे मीटर के अंदर पता है पर मुझे फोटोन की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? एच सी को ई से डिवाइड कर दूंगा। ई मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? एस सी अपॉन ई इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर। दैट मींस अगर इस केस में मुझे फोटोन की एनर्जी निकालनी है एस सी अपॉन लेमडा और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो अब मुझे जो लेमडा रखना है ना यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पर लेमडा रखना है तो याद रखना लेमडा मीटर में रखेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा और जो मेरा आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जेई मेन में जो क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ओके। व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, मेटल का हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करना है, हमें पता है इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास में? इंसिडेंट एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपको काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकालना है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया गया है कितना है? 0.5 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले मैं जूल में निकालता हूं, बाद में उसको कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको जो मैंने समझाया था आपको पहले वाली बात वो क्लियर हो जाए। तो देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा इंसिडेंट। तो मैंने उसकी वैल्यू रख दी एच इंटू सी की और लेमडा की वैल्यू मैंने रख दी। लेमडा की वैल्यू देखो यहां पर ये नैनोमीटर में है, तो मैंने देखो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 9 कर दिया।
तो मेरा आंसर जो जूल में है वो ये आ गया, इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू आ गया 20/25, या इसे आप 4/5 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 10^-18 जूल्स। ओके, अब अगर मुझे ई आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू मिलता है वो मिलता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मिलता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ जी वर्क फंक्शन कितना हुआ? तो इसमें जो वर्क फंक्शन हो गया वो हो गया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जेई मेन 2018 के अंदर आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है, इक्वेशन भी आसान है। दिक्कत क्या होती है? कॉन्स्टेंट वाले पास। आप कॉन्स्टेंट को याद रख दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन छुट्टियों में सॉल्व हो जाएगा। और ये सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल क्वेश्चन जेई मेन में करेक्ट करने से हमारे परसेंटाइल स्कोर इंप्रूव होता है, हमारा परसेंटेज स्कोर इंप्रूव होता है। सिंपल क्वेश्चन गलत करने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। याद रख लेना, जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है लाइफ के अंदर, आप सिंपल सिंपल चीजें कितने अच्छे तरीके से करते हो उससे ही पता चलेगा आप कितना इंप्रूव करो, कितना प्रोग्रेस करोगे। डिफिकल्ट चीजें तो कई लोग नहीं कर पाते या छोड़ देते क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन पे अपनी पकड़ मजबूत रखो, आप देखना आपके जी मेन के स्कोर अपना आप ही इंप्रूव होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? What is the work function of the matter? फिर से work function का क्वेश्चन पूछा गया। If the light of the wavelength 4000 angstrom generate photoelectrons of velocity a, तो देखो सामने वाले को पता था कि बच्चों को इक्वेशन आती है, तो बच्चों को जब इक्वेशन आती है तो उनको तंग कैसे करा जाए? तब क्या करेंगे कि आपको जो भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दे रही, ये आपको स्पीड दे रहे ताकि आपका टाइम कंज्यूम। हमेशा याद रखो, जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, दैट मींस उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर फ्रेम करे हैं जिनमें नेग्लिजिबल टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट, कम से कम कह रहा हूं, ऐसे फैकल्टी में कह रहा हूं, 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं, तो अगर एज स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको 4 मिनट भी लगे। जेई मेन में क्वेश्चन सॉल्व करने के मुश्किल से आपको जो टाइम मिलता है वो 2 से 2.5 मिनट का मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन 4 से 5 मिनट का अगर मान रहा हूं है, दैट मींस इसको काउंटर करने के लिए कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी इसी सेशन में दिए गए। आइए आपको समझ में, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रोड वोल्ट। हमें क्या पता है, ठीक है, दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को मैंने पहले जूल में निकाल दिया, और जूल में निकाल के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड वोल्ट में निकाल दी, तो इंसिडेंट एनर्जी मेरे पास में कितनी आ गई? 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास भी बंदे ने दिया, मतलब आपसे वो बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन कराने वाला था, और स्पीड भी दे दिया। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल दिया, तो ये जो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी है वो जूल के फॉर्म में आ गया। अब मुझे वो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे उसका वैल्यू आ गया 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करने पे जो मेरे पास में वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन लेंथी बना गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान कब हो जाता है? जब हमें एस सी अपॉन ई की वैल्यू याद हो। एस सी अपॉन ई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.25 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट × मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में, सेक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैं हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब देख सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। अगर मैं क्या करूं कि हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब में सील कर दूं, और ग्लास ट्यूब में सील करके उसको क्या करूं, एक्साइट करूं। एक्साइट करने पर क्या होगा मेरे पास में, कि ये मानेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए और हाइड्रोजन एटम्स बन गए। अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, ग्राउंड स्टेट या लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ आएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, अलग अलग तरीके की वेवलेंथ यहां पर रिलीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 में गिरता है तो लाइमर सीरीज, n इक्वल टू 2 में गिरता है बाल्मर सीरीज, n इक्वल टू 3 में गिरता है पार्शियल सीरीज, n इक्वल टू 4 में गिरता है ब्रैकेट सीरीज, n इक्वल टू 5 में गिरता है फर्ड सीरीज, एंड सो ऑन चलता रहे।
ठीक है, तो ये सीरीज वगैरह बात आपको सबको आती है, आप बच्चों ने पिछले 2 सालों में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ा है, तो आई थिंक ये लाइमन बार्मर पार्शियल सीरीज वगैरह के नाम जो है और कौन से का ट्रांजिशन होता है आपको सबको पता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारा फॉर्मुला जो यूज करते हैं वो क्या है, फर्स्ट फॉर्मुला क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी गिवन बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। अगर कोई आपके पास में एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स का सैंपल आपने ले रखा है और कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड लेवल में है और क्या वो फाइनली ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है। मैं कहूंगा जी बिल्कुल आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप कर रहा है, एन इक्वल टू वन की तरफ जंप कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर या किसी भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस बच जाएगी कैपिटल एन, उसका वैल्यू होगा स्मॉल एन n-1/2, स्मॉल एन मल्टीप्लाई n-1/2, वेयर व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द शेल नंबर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। फिर ये जो n n-1/2 होता है एक्चुअली ये है क्या, ये एक सीक्वेंस का सबमिशन कर रखा है। सीक्वेंस क्या है, n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस का सबमिशन। आपको पता है कि n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, अगर मेरे पास पूरी सीरीज बन जाती है, इस सीरीज का सबमिशन करते तो वैल्यू कितनी आती है n n-1/2। अब ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि n-1 का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ लाइमन लाइंस है, लाइमन सीरीज की जितनी लाइंस होगी वो ये लाइंस है। n-2 क्या है, नंबर ऑफ बाल्मर लाइंस है। n-3 क्या है, नंबर ऑफ पार्शियल लाइंस है, एंड सो ऑन चलता रहे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या किसी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रम है, उसमें वेवलेंथ कैसे निकालते हैं या वेव नंबर कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे पास में लाइन इमिट हो रही है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, 1/λ और वेव नंबर इज इक्वल टू R Z²। R यहां पर क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। R यहां पर क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। पेपर में इसकी वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, पेपर रिडबर्ग कांस्टेंट दे रखा होता है। तो R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और 1/N1² - 1/N2², जहां पे N1 N2 मेरे पास में क्या है, शेल नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, इलेक्ट्रॉन कौन से दूसरे लेवल पे जंप कर रहा है, जहां पर मेरे पास में जो N2 का वैल्यू होगा वो N1 से बड़ा होगा, इसलिए 1/N1² जो आएगा वो 1/N2² से बड़ा है। तो आगे मैंने लिखा है जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसके जो जनरली हम वैल्यू लेते हैं, क्या पता कि हमारी किस्मत खराब हो, ठीक है, और पेपर वो वैल्यू ना दे, तो R=109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको कई बार 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स लिख के भी दे देते हैं कि 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है, तो आप 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स तो याद रख ही सकते हैं। ओके, जेड एटॉमिक नंबर है और N1 N2 आपको ये दे रखे। एक बात प्लीज जरूर आप याद रख सकते हैं कि 1/R कितना होता है, अगर रिडबर्ग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो वेव लेंथ के फॉर्म में आएगा, ठीक है, एक लेंथ बन जाएगी, तो 1/R बन जाता है 912 एंगस्ट्रॉम। कितना बन जाता है, 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, बात लिमिटिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग लाइंस का मतलब क्या है कि किसी भी सीरीज की वो लाइन जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा हो, किसी भी सीरीज की वो लाइन जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा हो, और वो लाइन कब प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से उस सीरीज की जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है वहां पर जंप करता है, या उसके जो करेक्टरिस्टिक एनर्जी लेवल है वहां पर जंप करता है। जैसा कि लाइमन सीरीज का मुझे लिमिटिंग लाइन लिखाना है, तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n=1 में आ रहा है, दैट मींस लाइमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n=1 में, मुझे ये पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से n=1 में आता है तो कितनी वेवलेंथ एमिट होती है, कितनी एनर्जी एमिट होती है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब n=1 में हो वहां से बाहर भेजने का एनर्जी कितना। तो लाइमन सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है वो आपको जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उनका आयनेशन एनर्जी की वैल्यू देती है। किसकी वैल्यू देती है, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू देती है, और कौन देता है, लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन। बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन का होती है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n=2 में जंप करता है, किस में जंप करता है, n=2 में। अगर n=2 में जंप करेगा तो वो हमें आयनेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आयनेशन एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट से निकालते हैं। पर अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये कहता कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, n=2 के अंदर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो गया, और आप चाहते हैं कि अब आप उस एटम को आयनाइज करो, तो उस एक्साइटेड एटम को आयनाइज करने का जो एनर्जी होगा ये एक्चुअली कौन सी सीरीज की लिमिटिंग लाइन होगी, तुम कहते हैं कि बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन के बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द लिमिटिंग लाइन ऑफ अ सीरीज
correspond to transition from infinity to n equal to 1. यहाँ पर n equal to यहाँ पर 1 नहीं है, actually n 1 है. n 1 मतलब जो उसका characteristic मेरे पास में जो shell number होता है. फिर limiting line और Lyman series कितना होता है? इसका wave number होगा r z square या उसका wavelength होगा 1 upon r z square. मैंने z square कर रहा हूँ क्योंकि question में hydrogen के अलावा helium plus lithium plus 2 barium plus 3 भी question आते हैं. फिर limiting line of Lyman series वेव नंबर कितना होगा आर जेड स्क्वायर अपॉन 4. कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर n2 का वैल्यू आप इन्फिनिटी रखो और 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाना है 0, तो केवल इतना टर्म ही बचेगा. ओके, तो इसका जो वेव नंबर आएगा कितना आएगा आर जेड स्क्वायर अपॉन 4 या वेवलेंथ आएगा 4 अपॉन आर जेड स्क्वायर. कोई आपसे वैल्यू पूछे तो वैल्यू कैसे निकालोगे? आर की वैल्यू कितनी होती है 912. सोचो अगर मैं आपसे पूछू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या पूछू आपसे? हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम को मुझे आयनाइज करना है, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो बताओ मुझे कितनी वेवलेंथ चाहिए. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां से सॉल्व करना है, अगर हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है और मुझे उसको आयनाइज करना है तो कितनी वेवलेंथ चाहिए? तो मुझे वेवलेंथ चाहिए, यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में 1. अगर जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा तो मुझे जो वेवलेंथ चाहिए वो 1 अपॉन आर. 1 अपॉन आर कितना है? 912 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर कनेक्ट करो, 91.2 नैनोमीटर कितना बन जाता है? 91.2 नैनोमीटर. प्लीज ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, जो छोटे छोटे रिजल्ट है, इनको आप याद रखो ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो. कई बार पेपर में बस आंसर हमने टिक करा और आगे बढ़ गए, तो उस क्वेश्चन के किसी ने 2 मिनट असाइन करे थे और वो क्वेश्चन अगर हमने 2 सेकंड या 5 सेकंड में सोल्व कर दिया तो हमने किसी और क्वेश्चन के अंदर लॉजिकली जहां में डाउट आ रहा था उसको सोल्व करने का हमें प्रॉपर टाइम मिल गया. ओके, तो कुछ बातें प्लीज जेईई मेन के पर्पज से हमें याद रखनी चाहिए, जेईई एडवांस के पर्पज से भी याद रखनी चाहिए. अच्छी बात है हमारे करियर बनने का. आगे देखो क्वेश्चन क्या है. इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कोरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर मोर ऑर्बिट्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. ये क्वेश्चन 2003 के अंदर आया था, तो 2003 में AIEEE ही होता था, पर अब इसको हम जेईई मेन ही बोल रहे हैं. ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है. तो यहां पर मैंने क्या करा कि एन टू और एन वन की कुछ वैल्यू दी. एन टू मेरे पास में क्या है? 3, 4, 5 इन्फिनिटी. और एन वन मेरे पास में क्या है? 2, 2, 2. अगर एन वन 2 है तो ये कौन सी स्पेक्ट्रम सीरीज को बता रहा है? बाल्मर सीरीज को बता रहा है. अब आप कहोगे सर आपने बाल्मर सीरीज सीधा क्यों पकड़ा? अरे बड़ा आसान है, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेड एंड कलर की बात करी है ना. तो अब आप बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कलर वगैरह जो लाइन हमें ऑब्जर्व होगी वो कहाँ होगी? बाल्मर सीरीज में तो होगी, क्योंकि बाल्मर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो रेड एंड होता है वो एक्चुअली कौन से ट्रांजिशन को कह रहे हैं? N2 इक्वल टू 3 से N1 इक्वल टू 2. अब इस एंड से थर्ड ट्रांजिशन कौन सा होगा? फर्स्ट तो खुद हो गया, सेकंड कौन सा होगा? 4 से 2. और थर्ड कौन सा होगा? 5 से 2. तो रेड एंड से सेकंड ट्रांजिशन 4 से 2 और थर्ड ट्रांजिशन 5 से 2. यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. आइए आपको मेरे पास समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन. If this shortest wavelength in Lyman series of hydrogen spectrum, याद रखना hydrogen Lyman series of hydrogen spectrum की shortest wavelength कौन सी होगी? सबसे बड़े energy gap, सबसे बड़े energy gap मतलब वो limiting line की बात कर रहा है. तो हमें पता लगाना है longest wavelength in partial series of helium plus. देखो क्या करेंगे इसका. तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए diagram बना रखे हैं, यहाँ अलग-अलग energy levels मैंने draw कर दिए. तो अगर मैं लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से एन इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो यहां जो लाइट एमिट होगी वो क्या बन जाएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा एनर्जी. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइन. तो मेरे पास में हाइड्रोजन के लिए जो लिमिटिंग लाइन बनेगी, ये वाली लिमिटिंग लाइन है, वो कितनी होगी? 1 अपॉन आर. तो 1 अपॉन आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? ए क्वेश्चन में गिवन है. अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. अब अगर मुझे पार्शियल सीरीज की बात करनी है तो बच्चों आपको बताऊंगा पार्शियल सीरीज में जो ट्रांजिशन होता है वो एन इक्वल टू 3 तक होता है. तो अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो वो 4 से 3 वाला ट्रांजिशन है, तो 4 से 3 क्या होगा? एनर्जी गैप सबसे कम है, तो जो वेवलेंथ एमिट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने वाली है. तो 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा. जेड का वैल्यू 2 रखेंगे किसके लिए? हीलियम प्लस के लिए. तो 1 अपॉन लैम्डा डैश बन जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर
सेवन अपॉन थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फोर स्क्वायर सोल्व करने पे जो लेमडा डैश बनेगा वो आ जाएगा 36 अपॉन सेवन इंटू आर, 36 अपॉन सेवन इंटू आर, और 1 अपॉन आर कितना होता है ए, यहां से हमने पता कर लिया, तो मेरे पास में लेमडा डैश का वैल्यू कितना हो गया 36 ए अपॉन आर। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास में जो आंसर बन जाता है वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्या मैंने पीछे वाले को टिक कर दिया, तो पीछे वाले का जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो देखो अगर वेवलेंथ का वैल्यू 900 नैनोमीटर दिया है तो आपको सबको पता होगा कि जो विजिबल रीजन होता है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। तो 760 नैनोमीटर के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड रीजन। तो ये जो 900 नैनोमीटर है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। अगर वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर है तो इसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, पार्शियल सीरीज। यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको, पार्शियल सीरीज। मैंने पार्शियल सीरीज कैसे जज किया होगा, ऑप्शन से। अब ऑप्शन देखो, लाइमन सीरीज तो हो नहीं सकता आईआर के अंदर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइमन सीरीज होता है वो तो यूवी रीजन के अंदर होता है। हाइड्रोजन के लिए बाल्मर सीरीज किसके अंदर होता है, विजल में। तो विजिबल के तो आगे चला गया, तो लाइमन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कट गए, तो जो भी आंसर है वो ए और सी में से निकालना है। ठीक है, ये ऑप्शन जो भी लिखे गए हैं उनमें नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो अगर ये मेरे पास में ए है इसको बी कर लेते हैं, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन गलत है वो कौन से है मेरे पास में, बी और डी नहीं हो सकते। अब जो आंसर करेक्ट हो सकता है वो इन दो में से होगा, या तो ए होगा या मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, फिर फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू कितना रखना है 3, क्योंकि पार्शियल सीरीज ही हमें पता लगानी है, और z का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू निकालना है। देखो इस इक्वेशन के सॉल्व जब करेंगे तो मेरे पास में यहां पर जो n2 का वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। डेट मीन्स जो ट्रांजिशन हुआ है वो इन्फिनिटी से 3 पर हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए। ये जेई मेन 2019 के अंदर आया था, और मुझे शिफ्ट नहीं पता जनवरी के अंदर आया था या अप्रैल के अंदर आया था, क्योंकि अब क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, अब और आज में सेक्शन ए का पार्ट ए का लास्ट टॉपिक आता है, डिटेल्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो मैं आपको डायग्राम वगैरह नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको सबको पता है बोर एटॉमिक मॉडल, आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, मॉडल फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो सीधे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनने वाले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, वी इक्वल्स टू वी नॉट जेड अपॉन एन। तो देखो मैंने इसको याद कैसे रखा था, और आप भी इसे याद कर सकते हैं, वी हो गया स्पीड, जेड एटॉमिक नंबर और एन, तो वी जेड एन वजन। पेपर गलती क्या हो जाती है, हमें ये नहीं पता लगता कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जेड और एन कहां कहां आने वाले हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा या क्या होगा। तो ये मेरे पास में बन जाएगा वी जेड एन, तो वजन आई थिंक आपको याद रहेगा। इसमें वी नॉट यहाँ पर क्या है, वी नॉट क्या है, जो जेड अपॉन एन के पहले जो कॉन्स्टेंट आता है उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू होती है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट, इसको कई बार हम ए नॉट भी लिखते हैं, कुछ भी लिखो नोटेशन है क्या फर्क पड़ने वाला है, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पर आर नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोर रेडियस भी कहते हैं, बोर रेडियस मतलब बोर की खुद की रेडियस नहीं, ये फर्स्ट जो शेल होता है हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट शेल होता है उसकी रेडियस है। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मैंने जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के पहले जो भी कांस्टेंट था उसको ई नॉट लिखा है। ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इजी कांसेप्ट है वो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ में क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। आप एक्सप्रेशन को टैली करके देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालो, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये ई नॉट का वैल्यू क्या है, जल्दी पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ई नॉट की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी का एक फॉर्म में कांस्टेंट होगा। ई नॉट का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल में किलो कैलोरी में
जो अलग आपके पास में अर्ज वगैरह जो होती है एनर्जी की यूनिट से उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आयनिश एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको बच्चा अब याद कर सकते हैं, जितने भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जहां पर बोर की थ्योरी वैलिड है उसमें आयनिश एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई नॉट जेड स्क्वायर। जैसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। हीलियम प्लस का एनर्जी कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ ई नॉट हो जाएगा। लिथियम प्लस टू का एनर्जी कितना हो जाएगा मेरे पास में, नाइन टाइम्स ऑफ ई नॉट हो जाएगा। बेरिलियम प्लस थ्री का एनर्जी कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ ई नॉट हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। फिर जो हमारे पास में रेडिएशन एमिट होती है, जो रेडिएशन एब्जॉर्व होती है, जो कि फोटोन एमिट एब्जॉर्व होता है, तो मैंने एनर्जी गैप बना दिया। नेट एनर्जी गैप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एस सी अपॉन लैम्डा और एच न्यू, योर एस सी न्यू बार इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आई थिंक आप सबको पता हूं, ठीक है, और एक्सप्रेशन बहुत काम के हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन जो 2019 के अंदर आया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको बता दी, ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू वन, हाइड्रोजन मतलब जेड इक्वल टू वन। द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ये हमें करना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहां आप देख सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है E is equals to minus of E naught Z square upon N square। ये एक्सप्रेशन है, इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z की वैल्यू 1 रखेंगे, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन का तो N equal to 1 रखेंगे, तो E naught का वैल्यू आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पहले भी आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते थे, पर मुझे ऐसे ही समझाना था आपको, तो मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा आपको देखने में सुंदर लगेगा। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मुझे निकालना है, तो सेकेंड एक्साइज स्टेट के लिए एन का वैल्यू कितना होता है, 3, और हीलियम प्लस के लिए जेड कितना होता है, 2। तो फिर से वो एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ई नॉट की जगह आप रखेंगे माइनस ऑफ ई नॉट था तो उसको रखेंगे माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 4/9 कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस ऑफ 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में 2019 जेई में 2019 में क्वेश्चन आया था, काफी इजी क्वेश्चन आया, इसमें टाइम बहुत कम लगने वाला था, ठीक। अब 2020 इस बार जेई में जो आपने दिया था उसी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट इन लिथियम प्लस टू इज, तो देखो आपको फॉर्मूला क्या पता है, आर इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, बहुत आसान। तो भाई एन का वैल्यू कितना है आपसे पूछ रहा है सेकंड बोर ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू हमें 2 रखना है, एन का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और वो लिथियम प्लस 2 के बारे में पूछ रहा है तो लिथियम का एटम नंबर कितना होता है जी, 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 कितना बन जाएगा मेरे पास में ए नॉट 4/3। तो देखो चेक करो क्या कोई ऑप्शन है क्या, उम्मीद करता हूं आप बच्चे सभी क्वेश्चन करेक्ट करके आए होंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन ना करेक्ट आए तो मुझे पर्सनली आप मिल सकते हैं डांट खाने के लिए, क्यों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और 2020 में एक और क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आसान नहीं था, क्योंकि इसका पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो कई लोगों का दिमाग उड़ा देता है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर से ढंग से याद रखना, सीरीज कौन सी है, बाल्मर सीरीज। तो बच्चा एन का वैल्यू कितना होगा, एन वन कितना होगा, 2e रखना है, एन वन कितना रखना है, 2e रखना है। फिर फॉर द बाल्मर सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव नंबर इज गिवन बाय आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन 50। देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग फर्स्ट एंड फोर्थ आर, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें पता करना है, हमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो पता करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे, जो स्टेटमेंट 1 में मुझे आपका टाइम चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 2 पर जाते हैं, इंटीग्रल एन वन इज इक्वल टू 2 करेक्ट है क्या, देख लो जी बाल्मर सीरीज है सर, एन वन इक्वल टू 2 होने वाला है, तो मेरे पास में जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों वो करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ओके। फिर उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूं, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द लाइंस ऑफ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कोरेस्पोंड टू एन टू इक्वल टू 3। अरे अभी तो हमने करा था क्वेश्चन, एन टू इक्वल टू 3 से एन वन इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये एनर्जी गैप बाल्मर सीरीज में सबसे कम है, तो ये बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो जो मेरे पास में ये स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट थर्ड, वो करेक्ट है।
स्टेटमेंट फोर की तरफ बढ़ते हैं, द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, किसी एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन की, और क्या निकालनी है, आयनेशन एनर्जी। तो बताओ हाइड्रोजन एटम की आयनेशन एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एन इक्वल टू वन में। तो क्या बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, नहीं देता, कौन देता है, लाइमर सीरीज। द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस, रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, तो भाई जहां पर तुमने फोर फोर रखा है वो तो गलत हो ही गया, तो बच्चा आंसर क्या बना, फोर आया मजा, हमने फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, फिर गलत समझ पा गई, पर मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट कैसे, मेरे पास में एनर्जी लेवल्स हो गए, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो गए, ये एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी गैप कम है, यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी गैप ज्यादा है, यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी गैप और बढ़ गया, यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी गैप और बढ़ गया। एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कि जो फोटोन एमिट होगा, जो फोटोन हमारे पास में एमिट होगा उसका एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। अब यहां फोकस करो, ये एनर्जी और ये एनर्जी में जितना गैप होगा उतना गैप इन दोनों में नहीं होगा ना, जितना गैप यहां से यहां के बीच का होगा, जितना गैप ये होगा उससे कम गैप ये होगा और उससे कम गैप ये होगा। तो मेरे पास में जो लाइंस मिलेगी उसके लाइंस के बीच का गैप मेरे पास में क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ढंग से मेरी बात सुनो, देखो क्या लिखा है, अगर मैं इन बात करूं तो एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीज होगा, इस ट्रांजिशन से या इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन जाने पर एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीज होगा, वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज होगा, एनर्जी गैप बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगा, एनर्जी गैप बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज होगा, वेवलेंथ का भी गैप यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल अगर एनर्जी ऑफ एनर्जी गैप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या स्पेक्ट्रल लाइंस एक दूसरे के क्लोज आ रही है, क्लोज आ रही है तो उसे क्या लिखेंगे, कन्वर्ट, और दूर जा रही हो तो क्या लिखते हैं उसे, डाइवर्ट। तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, दैट द एनर्जी गैप ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगा कन्वर्ट होगा, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, ये 2020 में जनवरी के अंदर आ गया था, दैट मींस इस बार जेईई मेन का जो आपका होने वाला है पार्ट, ठीक है, जो जुलाई में होने वाला है उसमें ये नहीं आया है। आगे बढ़ते पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, पार्ट बी मेरे पास में क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अनसर्टेन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। एक लुइस डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर में बात आते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अनसर्टेन प्रिंसिपल, ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, कैसे वेव की तरह बिहेव करेगा, तो देखो यहां पर एक सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास में हो गया जो बोर्ड ने कहा था, और अब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रेवल करा दिया गया। तो लेट मानो नंबर ऑफ वेव जो बन रही है, जैसे ये एक वेव है ये दूसरी वेव है, वैसे इस पूरे सर्कुलर पाथ में जो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्मड है वो कितनी है, एन, और जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। तो जाहिर सी बात है इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, अगर मेरे को रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है आर, तो सर्कमफेरेंस कितना होगा, टू पाई आर। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई आर, क्या बनेगा इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई आर, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और से देखो आपको पता है MVR is equals to NH upon 2 pi, ये क्या होता है बच्चों, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले एटॉमिक बॉर्डर में क्वांटाइजेशन का यूज करा था, वो कौन था, बोर, नील बोर था, ओके। तो equals to NH upon 2 pi, ये भी इक्वेशन आपको पता है, इससे 2 pi R कितना बन जाता है, NH upon MV। तो ये इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को कंपेयर करेंगे तो एन लैम्डा इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी आ जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो मेरे पास में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब बच्चों देखो आप लोगों ने दो साल में बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स भी पढ़ी, ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो एम इंटू वी है वो मोमेंटम है, और मोमेंटम को अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, एक तो सीधा सा मैंने लिख दिया लैम्डा इज़ इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम ही लिख दिया, मोमेंटम क्या होता है मेरे पास में, रूट टू एम इंटू ई, रूट टू एम इंटू मतलब ई यहाँ पर क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा फॉर्मूला बन गया ये वाला, लैम्डा इज़ इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम इंटू ई, ये वाला एक्सप्रेशन। तीसरा एक्सप्रेशन लैम्डा इज़ इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू इंटू वी, जहां पर ये चार्ज पार्टिकल हो गया, क्योंकि इलेक्ट जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें
किसके फॉर्म में लिख दी मैंने, क्यू इन टू वी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। फिर लैम्डा को लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन थ्री एम के टी। ये मैंने कैसे लिखा होगा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक इक्वेशन पता होगा कि जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है। तो बस मैंने E के वैल्यू को 3/2 kT इक्वेशन में रखा और उससे मुझे आंसर मिल गया ये वाला की वेवलेंथ कौन सी रहेगी। ये रिलेशन आपके काम की कैसे, वो आपसे पूछेंगे लैम्डा का टेम्परेचर से क्या रिलेशन, दो अलग अलग टेम्परेचर लेके पूछेंगे लैम्डा का रेशियो निकालो, दो अलग जो है आपको पोटेंशियल दे देंगे लैम्डा का रेशियो निकालो, अलग जो आपको दे काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का रेशियो निकालो, अलग अलग पार्टिकल भी दे देंगे और पूछेंगे लैम्डा का ऑर्डर निकालो। तो बच्चों देखो ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही आसान है, सारे एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है और ये आपको याद रखना चाहिए। ओके आगे बढ़ते, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया था इसको उन्होंने क्या करा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसको जोड़ दिया था। क्वेश्चन देखो आसानी था, 2019 के अंदर आया था, आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, एच न्यू माइनस एच नॉट, क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो गया, और एच न्यू माइनस न्यू नॉट इस तरीके से आ जाएगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन टू ए। ओके लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी, तो पी कितना हो जाएगा जी, एच अपॉन लैम्डा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी में ये जो पी स्क्वायर वाला पार्ट था अब उसको देखो क्या लिख दूंगा, पी स्क्वायर को लिख दूंगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू एम, ये बन जाएगा। तो अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के अंदर जो यहाँ आया था। तो मेरा आंसर क्या बना, एच स्क्वायर अपॉन टू लैम्डा स्क्वायर एम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम न्यू माइनस न्यू नॉट। तो लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा किस तरह से रिलेटेड होगा, फ्रीक्वेंसी से। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, ये लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर हाफ। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है जो 2019 के अंदर आया था वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आने लगे। फिर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब क्वेश्चन वाला इसमें क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो देखो मैंने क्या करा, एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है, उसमें एन और जेड के फॉर्म में, बस आप एन और जेड पुट करो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है तो आपकी अब किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ये फिर से रिपीट हो, पर क्या पता हो भी जाए, जेई मेन का कोई भरोसा नहीं है, जेई एडवांस का तो हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर भी सकते हैं, जेई मेन बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। ओके इसलिए थोड़ा स्टैटिक्स हुआ है उसको यूज करते हैं, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल नहीं है तो कह सकते हैं कि 50-60% का प्रेडिक्शन हमारा सही होता है जेई मेन के अंदर, क्योंकि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जेई एडवांस में तो पक्का कह सकते हैं 80% प्रेडिक्शन सही लग जाता है कि भाई क्वेश्चन जो है इनमें से बनेंगे। ओके बाकी तो हम सबको भगवान तो है नहीं कि आने के आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट इज, तो कैसे निकालेंगे, एज वी नो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, पता है r का वैल्यू a नॉट n स्क्वायर अपॉन z होता है। मैंने a नॉट के फॉर्म में क्यों लिखा, मैंने ऑप्शन देख ली, ऑप्शन में क्या कैसे लिखा है, a नॉट के फॉर्म में लिखा है। तो देखो यहां पर क्या है, r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर अपॉन z। तो देखो लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा, बस आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे कर लेना है कि अब आपके लिए n टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2πr a नॉट n स्क्वायर अपॉन z बन जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2πa नॉट n अपॉन z। क्या आपको मेरे पास समझ में आ रही है, लैम्डा इज 2πa नॉट n अपॉन z, इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारे पास में ये आ जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू 8πa नॉट हो जाएगा ओवरऑल n और z का वैल्यू रखने पर। अब हमारे पास में पार्ट बी जो है उसका सेकेंड वाला पार्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे अगर आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब आया था तो आपको बड़ा मजा आएगा, 2009 के अंदर आया था लास्ट, 2009 के अंदर इसका न्यूमेरिकल आया था। 2009 के बाद में अभी तक जेई मेन के अंदर केमिस्ट्री में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, न्यूमेरिकल नहीं आया है इसके अंदर, जेई मेन के अंदर इसके कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करा है,
इसका मतलब क्या है, ये जी एडवांस में बहुत बार रिपीट हुआ, हाइजेनबर्ग के ऊपर जो थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन वो जी एडवांस में आए। तो देखिए अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला था। देखो व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल और हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर लगा सकते हैं। तो प्लीज इतना सा याद रखना कि अगर इक्वेशन आप याद रख लो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, जहां पे एक्स और वाई क्या होंगे, हियर एक्स एंड वाई आर टू फिजिकल क्वांटिटीज सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज इन द यूनिट्स ऑफ जूल इनटू सेकंड, एच के फॉर्म में आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, एक्स और वाई हो सकते हैं पोजिशन और मोमेंटम, पोजिशन और मोमेंटम, और हो सकते हैं एनर्जी और टाइम, और क्या हो सकते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन। इसके भी न्यूमेरिकल अगर गलती से आ जाए तो हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू जिसके अंदर यूज होती है एच अपॉन फोर फाइव, उसकी वैल्यू प्लीज आप याद करके जाना 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 35 होता है। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, इसके लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो डिटेक्टेबल रेंज के अंदर है। हमारे अर्थ के सर्फेस पे जो भी डिटेक्टर्स है वो 10^-16 मीटर से कम वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसके पार्टिकल नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक मॉडल माने जा रहे हैं जिनकी जो वेवलेंथ आ रही है, जो डीप डोगली वेवलेंथ है, वो 10^-16 मीटर या उससे ज्यादा आ रही है। फिर कंडीशन फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल में कंडीशन ऑफ मिनिमम अनसर्टेनिटी लगानी है, दैट मींस ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन की जगह हमें क्या यूज करना है, इक्वल टू का साइन यूज करना है। तो अगर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मिनिमम अनसर्टेनिटी पर जाते हैं तो हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई, डेल्टा पी कितना होगा एम इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज एच अपॉन फोर पाई एम। यहां तक एक्सप्रेशन देखो मैंने लिखा क्योंकि 2009 में जो क्वेश्चन आया था वो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स के रिलेशन पर आया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आपको स्पीड दे रखा है 600 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल स्पीड है, और उसमें जो एरर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर वो पूछ रहा है डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल। तो देखो डेल्टा वी क्या होता है, वी एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल एरर, वी एक्चुअल कितना है 600 और फ्रैक्शनल एरर कितना है। तो आप यहां पर फोकस करें, यहां देखें आपको जो परसेंटेज एरर बच्चों दिया गया है वो कितना है, परसेंटेज एरर आपके पास में है 5 × 10^-3%। तो फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा 5 × 10^-5, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये गलती मत कर देना कि परसेंटेज एरर कोई लेके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन में गलत ही होना है। ओके ऐसे अड़बड़ा मत जाना कि एच अपॉन 4πm भी करना है तो ये परसेंटेज को मैं क्यों कन्वर्ट करूं, मैं तो कन्वर्ट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है पर छोड़ो कि टाइम बचाने के चक्कर में कहीं करियर ना खराब हो जाए, है ना। इजी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना, मेरी बात बिल्कुल फिट कर लेना अपने माइंड में, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ना छूटने चाहिए ना गलत होने चाहिए। फिर डेल्टा वी का जो वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा 3 × 10^-2, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm डेल्टा वी। एच अपॉन 4π की वैल्यू आपको मैंने कही याद करनी पड़ेगी 5.3 × 10^-35, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, डेल्टा वी हमने निकाल दिया तो क्या आया 1.92 × 10^-3 मीटर। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, 1.92, ये ऑप्शन सी है। ये 2009 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था, उसके बाद में ये जी एडवांस के अंदर आ रहा है, जी मेंस में ये नहीं आ रहा। क्या पता, अब आ जाए पार्ट सी पर आ जाते हैं, अब हमारा लास्ट वाला पार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको देखो समझना क्या है, जो बात आपको याद रख लेनी है, पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, आपने एडवांस तक की प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, पर मेंस के पर्पस से आपको क्या बातें बस बिल्कुल माइंड में फिट कर लेनी, तो ये तो होता ही है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक मेंस में कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेगा। तो देखो क्या जो हमारे पास में आता है कि वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव फंक्शन से। फिर साला ये वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नेचर इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आऊंगा ये वर्ड मैंने एम्पलीट्यूड ऐसे अलग कलर से क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखो वेव फंक्शन जो होता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला जाता है वो जाता है टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू रेडियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय एंगुलर पार्ट। अब देखो आपको क्वांटम नंबर्स तो पता ही है, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ये जो रेडियल पार्ट है
वो दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमथल क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर पार्ट है वो दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, ये वाला जो एंगुलर पार्ट है वो दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट एक होता है एल और एम। तो बच्चा वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव फंक्शन के अंदर नहीं आता, वो कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। और आज हम पढ़ेंगे क्यों स्पिन क्वांटम नंबर उसके अंदर नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा, कि थोड़ा बहुत आपको तैयार करके भेजेंगे। तो देखो हमारे पास में वेव फंक्शन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेव फंक्शन मेरे पास हो जाएगा रेडियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एन और एल, एंगुलर पार्ट एल और एम। इसको लिखेंगे रेडियल पार्ट और रेडियल वेव फंक्शन, इसको लिखेंगे एंगुलर पार्ट और एंगुलर वेव फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेव फंक्शन एक एम्पलीट्यूड है, और हमें पता है कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जो टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है वो क्या हो सकता है? जीरो। जब वेव फंक्शन जीरो होगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नोड। क्या बोलेंगे? नोड। जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो तो रेडियल नोड, और जब एंगुलर वेव फंक्शन जीरो तो एंगुलर नोड। ओके, तो अब देखो यहां पर आते हैं रेडियल नोड्स। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल माइनस इट्स एजिमथल क्वांटम नंबर माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? एल के बराबर होते हैं। फिर टोटल नोड्स कितने होंगे? इन दोनों को ऐड कर दो भाई, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल। आंसर क्या आएगा? एन माइनस वन। तो टोटल नंबर नोड्स निकालने के लिए बस हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है। अब इसके ऊपर 2019 में जो क्वेश्चन आया था, जो हमने पढ़ा है इसके बेसिक पर क्या क्वेश्चन आया था, देखो एक इन्होंने वेव फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देखो ये वेव फंक्शन का डायग्राम बना दिया, इस तरीके से प्लॉट कर दिया, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि उस स्टेटमेंट की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व कैसे करना, मैंने क्या सॉल्यूशन लिखा है। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज एट द साइट, एक साइट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कहां पर ज्यादा होगी? जहां पर वेव फंक्शन इज मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। मैंने ऐसे क्यों कहा बच्चों? क्योंकि हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। तो भाई अगर वो नेगेटिव ही होगा वेव फंक्शन तो उसका स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो दो पॉइंट हमें ऐसे मिलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो दो पॉइंट कौन से हैं? सी पर और ए पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू फाउंड इन द रीजन ए एंड सी। इसका आंसर ये है। देखो 2019 के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था वेव फंक्शन बेसिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। हो सकता है कि इस बार आपका जो जेईई मेन होने वाला हो फिर से उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे, तो थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करके रहना। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वांटम नंबर। अब जी क्वांटम नंबर होते क्या है वो तो आपको सबको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने उनका सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिख दिया है स्क्रीन पे, बोर्ड पर लिख दिया है, उसको आप देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला शेल एक सब शेल होगा, दूसरा शेल में दो सब शेल होंगे। बिल्कुल कहेगा सर क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो, पर जैसी बात है बच्चे ही हो गए है ना, आपको बच्चों वाली बात बताएंगे ताकि आप थोड़े बड़े हो जाओ। ज्यादा बच्चों वाली बात बताने से आपको लगेगा सर अब तो उनको सब आ गया, ठीक है अब हम तैयार हैं जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और आगे आईआईटी के लिए। तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन टू पाई। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस विद एन, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो ऑर्बिटल का साइज क्या होगा? इंक्रीज। जैसे 1 से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 2p से बड़ा 3p, 3p से बड़ा 4p, 3d से बड़ा 4d। इस तरीके से क्या होगा? एन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा? उसका ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो बोर कॉन्टेंशन रूल आपको पता ही है, इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई हो गया। अब एजिमथल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस, जो एजिमथल क्वांटम नंबर है उसकी रेंज आप सबको बताया, इट इज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। कहां से कहते हैं? फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। फिर एजिमथल क्वांटम नंबर में क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे एल का वैल्यू जीरो होता है तो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैसा हो जाता है मेरे पास में? स्फेरिकल।
एल का वैल्यू वन होता है तो डबल, एल का वैल्यू टू होता है डबल डबल, एल का वैल्यू थ्री होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो एफ ऑर्बिटल और से होता है, पर उनके जो शेप्स होते हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, यहां पर देखो क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल थे वो एन का स्क्वायर था, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, सब शेल के लिए होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन, कितना होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन। तो मेरे पास में देखो एक एक्सप्रेशन क्या बनता है, एन स्क्वायर, एक पूरे शेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मुझे निकालना है तो मुझे करना क्या है, मुझे समेशन करना है कौन से वाले इक्वेशन का, टू एल प्लस वन का, और समेशन का कौन कौन सी रेंज में करना है, फ्रॉम एल इक्वल टू जीरो से एल इक्वल टू एन माइनस वन तक करना है। ठीक है, ये जेई एडवांस में बहुत पुराना क्वेश्चन आया था, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज करी है क्योंकि हो सकता है कि जेई मेन के अंदर आ जाए, क्योंकि जेई एडवांस के जो पुराने क्वेश्चन होते हैं कई बार जेई मेन में रिपीट होते। आगे बढ़ते, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेप्टिकल पाथ, देखो इलेप्टिकल पाथ कौन सा होता है, जैसे जो डबल शेप होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इलेप्टिकल पाथ है, जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा हमारे पास में नॉन इलेप्टिकल पाथ है, वो सर्कुलर पाथ होगी एक तरीके से। तो इलेप्टिकल पाथ के लिए हम क्या फॉर्मुला यूज करेंगे, रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, पर जो एग्जामिनर है वो थोड़ा बदमाश है, कैसे बदमाश है, वो क्या करेगा आपसे, वो पूछेगा एस ऑर्बिटल के लिए निकालो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन जो है टू पाई यूज करो, और एक ऑप्शन जीरो होगा, आपका मन ही नहीं मानेगा ये एंगुलर मोमेंटम में जीरो क्यों पढ़ दू, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ के बैठो, फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो घूम ही रहा होगा आर, तो आप फंस जाएंगे सर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो करूं कि ना करूं, तो बच्चा प्लीज जीरो कर लेना। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर दे रखा है, ये एक्सप्रेशन के डेरिवेशन पे नहीं जाना, फॉर्मुला प्लीज याद रख लेना, रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, जहां पर एल क्या होने वाला है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एस के लिए जीरो होता है, पी के लिए वन होता है, डी के लिए टू होता है। ओके, जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ फॉर 3dxy ऑर्बिटल, 3dxy, dxy जो ऑर्बिटल है 3dxy का निकाल के बताओ, तो आपको dxy में xy नोटेशन पर नहीं जाना है, आपको किस पे जाना है, d पर, d d के लिए l कितना होता है 2 पर आंसर निकाल देना, 4dz2 के लिए निकालो, तो 4dz2 पे d के z2 पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, d पे, तो l का वैल्यू कितना यूज करना है 2, 4 पे भी नहीं जाना है, वो आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि उसको पता है कि जब कंसेप्ट आसान होता है तो सामने वाले को कंफ्यूज करके उसका क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, क्योंकि जेई मेन जो होता है वो रिजेक्शन मेथोडोलॉजी पे, रिजेक्शन फिलोसफी पे क्रिएट किया जाता है सारे सारे क्वेश्चन, वो चाहते हैं कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत करो, कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत करो, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर कोई ऐसे लिखे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो 4dz2, तो कहां फोकस करना है, आपको फोकस करना है केवल डी पर। अगर कोई कहे एंगुलर मोमेंटम निकालो 3px पर, तो बच्चा आपको कहां फोकस करना है, आपको फोकस करना है यहां पर p पर, आपको और कहीं फोकस नहीं करना। आई होप आपको बात समझ पाए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है वो होती है माइनस एल से प्लस एल, ये तो पता है सबको। फिर टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी होती है, तो देखो किसी नंबर की सबसे छोटी वैल्यू माइनस एन और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है प्लस है, तो बताओ उसका डिफरेंस क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, हाईएस्ट वैल्यू है एल, मिनिमम वैल्यू है माइनस है, तो डिफरेंस कितना हुआ, एल माइनस ऑफ माइनस है टू एल, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें जीरो को भी काउंट करते हैं, जीरो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसलिए टोटल वैल्यूज ऑफ एम जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन होगा, कितना होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन, हो गया टोटल वैल्यूज ऑफ एम एक सब शेल के लिए। अब अगर कोई आपसे पूछे टोटल वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ शेल, तो वो कितना होगा, जो टोटल वैल्यूज ऑफ एम है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल ही तो बता रही है, ये देखो टोटल वैल्यूज ऑफ एम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल ही बता रही है, तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ शेल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, इसलिए हो सकता है कि आपके जेई मेन के अंदर जब ये क्वेश्चन आए तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन ना दे, ये स्टेटमेंट ना आपको दे, ठीक है, वो आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे दे टोटल वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ शेल ये कितना होता है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना, ठीक है। अब एम क्या देता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो बच्चा देखो एक बार याद रखना, अगर मुझे ऑर्बिटल का साइज पता लगाना है तो मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करना है,
साथ में मुझे एसिटिल कॉन्टेक्ट नंबर भी यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि आपने एन प्लस एल रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? एन प्लस एल रूल पर मेन यू प्रेशर फॉर डेपेंड करता है। अगर मुझे ऑर्बिटल का शेप पता लगाना है तो मुझे एल यूज करना है, और अगर मुझे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता लगाना है स्पेस के अंदर तो मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज करना है। क्या यूज करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके आगे जो स्पिन क्वांटम नंबर है, आखिर वो कैसे हुआ था, कैसे डिस्कवर हुआ था, उसकी बात करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था स्टर्नबर्ग एक्सपेरिमेंट। ये आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है, पर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए कि क्या पता कभी कोई पेपर क्वेश्चन आ जाए। स्टर्नबर्ग एक्सपेरिमेंट क्या था कि सोडियम मेटल्स के वेपर लिए गए, उनका सब्लिमेशन कराया गया, सॉरी सोडियम सॉलिड लिया गया और उसका सब्लिमेशन कराया गया, उससे मुझे मिले सोडियम के वेपर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर स्टर्न और गर्डलेग नाम के साइंटिस्ट ने, रोलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो सोडियम मेटल की जो वेपर्स थी वो दो अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हो गई। एक स्ट्रीम एक डायरेक्शन में, दूसरी स्ट्रीम दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, और दोनों स्ट्रीम्स का जो मास था वो क्या था? सेम। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि सोडियम का जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या होता है, K2L8M1। तो M1 मतलब यहां पर क्या आ गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इन द वैलेंस शेल। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, द टू स्ट्रीम्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, थस विद इन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन हैव टू डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट? प्लस और माइनस। आगे, एज बोथ स्ट्रीम्स फॉर्म इन इक्वल क्वांटिटीज, थस द प्रोबेबिलिटी टू बी इन अ स्टेट इज 50%। परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास में? हाफ। Hence, the spin quantum number S can have two values, plus half or minus half. Okay, ये एक information है, ठीक है? वो information क्या है कि quantum mechanical model जब दिया गया था, जब उसको Nobel Prize वगैरह मिला था, उसके पहले दो साइंटिस्टों ने प्रपोज करा था कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, पर वो अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट ही क्या करता है? स्पिन करता है। तो यूलेंपेगो गोल्डस्मिथ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के दो और पॉसिबल मूवमेंट हो सकते हैं, स्पिनिंग मोशन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट उन्होंने वो कभी भी एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन नहीं करा था कि दो अलग अलग पॉसिबल स्टेट्स होती है। तो दो अलग साइंटिस्ट थे, स्टर्न और गर्डलेग, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करा कि हाँ इलेक्ट्रॉन के एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो पॉसिबल स्टेट्स होती है। पर बच्चों प्लीज आप याद रख लेना, ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, ये ट्रांजिशन से जुड़ी हुई नहीं है। ट्रांजिशन जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ से माइनस हाफ या माइनस हाफ से प्लस हाफ हो गया, ऐसा हम बहुत बार केमिकल बॉन्डिंग में जो ये ओवरडैपिंग वगैरह करते हैं तो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ से माइनस हाफ कर दिया, माइनस हाफ से प्लस हाफ कर दिया। तो ये जो मैंने चेंज करा है ना, ये नॉन रिलेटिव चेंज है। नॉन रिलेटिव चेंज का मतलब क्या है? ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? रिलीज होगी। समझ में इसे सारे एक्सपेरिमेंट का समझाया गया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी रेडिएशन ना तो एमिट होनी है ना रेडिएशन एब्जॉर्ब होनी। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला टॉपिक हमारे पास में आता है, लास्ट टॉपिक हमारे पास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को रेगुलेट करने वाले, गवर्न करने वाले तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। कौन कौन से रूल है? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, सबको इसका स्टैंड पता है, आप सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो। होम्स रूल और अपर रूल। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल देखो क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज आती है उसी के ऊपर बेस्ड था। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि जो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की दो ही पॉसिबल स्टेट है, एक तो प्लस और एक माइनस, और फाइनली एक स्ट्रीम में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, तो लिखेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो पॉली नाम के जो महाशय थे उन्होंने कहा दैट वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एंड दैट आल्सो ऑफ अपोजिट स्पिन। फिर दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्बिटल्स। जब हम पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगाएंगे तो हम एक एक ऑर्बिटल चेक करेंगे। ओके, क्या चेक करेंगे? एक एक ऑर्बिटल। अब देखो नीचे मैंने कुछ ऑर्बिटल बना रखे हैं, ये जज करने के लिए आपको बताना है कि क्या ये कॉन्फिगरेशन जो मैंने लिखी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो देखते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट वाली कॉन्फिगरेशन है उस पर आप फोकस करो। फर्स्ट वाली कॉन्फिगरेशन क्या कर रहा है? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन लग दिया, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन रखने से पॉली के रूल को ना तो अप्लाई कर सकते हैं ना उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो और हम कहेंगे यहां पर पॉली का रूल एप्लीकेबल है ना, कि पॉली को डिस्कार्ड नहीं हो रहा। क्या यहां पर पॉली का रूल एप्लीकेबल है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के कर दिए, दैट मींस दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल में सेम स्टेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये गलत है। क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास में अलग अलग स्टेट के अंदर है एक ऑर्बिटल। क्या ये कॉन्फिगरेशन करेक्ट है? नहीं है। देखो क्योंकि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट के आ गए,
तो जब भी आप एक ऑर्बिटल के अंदर, जब भी आप एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो पॉली रूल के अगेंस्ट चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉली का रूल कहता है कि जी स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू थी, अगर उनकी दो ही वैल्यू थी तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी हमें अपोजिट स्पिन के भरने पड़ेंगे। ओके, फिर जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वैलिडिटी चेक करो कि वो सही है कि गलत, तो प्लीज आप एक एक पहले ऑर्बिटल पे फोकस करो और एक एक ऑर्बिटल चेक करो कि पॉली प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जिस ऑर्बिटल में पॉली का प्रिंसिपल गलत हुआ तो हम कहते हैं कि कॉन्फिगरेशन ही गलत है। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा रूल गलत हुआ, पॉली का रूल गलत हुआ, उनका या अपवा का, तो पहले एक एक ऑर्बिटल चेक करो क्योंकि पॉली का रूल जज करने में टाइम लगता है, तो पहले जो बिल्कुल अंदर डीप वाली बात है उसको जज करो। बगैर To check validity of an electronic configuration, first of all check orbitals for the Pauli's exclusive principle. I think आप Pauli's principle समझ गए, फिर से repeat करते हैं। What is Pauli's exclusive principle? कि एक orbital दो electron आ सकते हैं, वो भी opposite spin के। Okay, opposite spin के क्यों? क्योंकि spin quantum number की दो ही value है। जब भी किसी electronic configuration का validity check करना है तो हमें एक एक ऑर्बिटल चेक करना है, और चेक करना है कि क्या उसे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है तो वो कॉन्फिगरेशन गलत है। फिर पूर्ण रूल क्या कहता है? पूर्ण रूल कहता है कि अगर हमारे पास में डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो, बच्चा क्या होता है डीजनरेट ऑर्बिटल? वो ऑर्बिटल्स जिनका पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों डीजनरेट है। डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के पांचों कैसे हैं? डीजनरेट। तो देखो होम्स रूल कहता है जब भी आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते रहो ऑफ आइडेंटिकल स्पिन। जैसे बच्चा अगर मुझे P3 कॉन्फिगरेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू होम्स रूल तो मुझे तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आप सबको पता है इसी सा कंसेप्ट, तो मैं तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे भरूंगा तो ये कॉन्फिगरेशन होम्स रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगर मैं बच्चों P3 कॉन्फिगरेशन ऐसे कर दूं तो ये होम्स रूल के अगेंस्ट चला गया। भैया होम्स रूल के अगेंस्ट चला गया भैया, क्या ये पॉली रूल के अगेंस्ट गया? गया नहीं गया। देखो पॉली रूल तो लग रहा है, तो ये पॉली रूल के अगेंस्ट नहीं है, ये किसके अगेंस्ट है? होम्स रूल के अगेंस्ट है। तो ओवरऑल कॉन्फिगरेशन किसी भी एक रूल के अगर अगेंस्ट है तो कॉन्फिगरेशन क्या होने वाली है? गलत होने वाली है, क्योंकि तीनों पार्ट में जज करने होते हैं। फिर ये मेरे पास में डी है, मैं D5 कॉन्फिगरेशन बच्चों लिख रहा हूं और D5 कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दी, तो ये कॉन्फिगरेशन क्या मेरे पास में होम्स रूल के अकॉर्डिंग है? हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग है। अब मैं D5 कॉन्फिगरेशन जो लिख रहा हूं इस तरीके से लिख रहा हूं, क्या ये कॉन्फिगरेशन होम्स रूल के अगेंस्ट है? जी हाँ सर, अगेंस्ट है। कॉन्फिगरेशन गलत है? हाँ गलत है, तो मैं क्रॉस लगा दिया। तो ये जो कॉन्फिगरेशन मैंने बनाई ये कॉन्फिगरेशन होम्स रूल के अगेंस्ट है। क्या ये पॉली के रूल के अगेंस्ट है? हाँ भैया बिल्कुल अगेंस्ट है। देखो आपने क्या करा, एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको कोई भी कॉन्फिगरेशन में गलती ढूंढनी है तो पहले ऑर्बिटल चेक करोगे, पहले पॉली प्रिंसिपल चेक करोगे, बाद में होम्स रूल चेक करोगे, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर लास्ट बात है ऑफर। ऑफर रूल क्या कहता है? ऑफर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, होम्स और पॉली साइंटिस्ट का नाम था। ऑफर किसी साइंटिस्ट का नाम था, ऑफर का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड। ऑफर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास में अलग अलग तरीके की टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग तरीके की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं सबशेल्स की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए और उनको उनके पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन करने के लिए। तो ऑफर रूल क्या कहता है? दैट सबशेल्स मस्ट बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज विद इन एन एटम, और उन सबशेल्स के अंदर फिर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे उन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे आप सबको पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर निकालें तो जो वानेस होता है वो सबसे पहले भरा जाता है, तो वानेस का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है उसको सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद में 2s में भरेंगे, बाद में 2p में, बाद में 3s में। फिर अगर 3s 3p और 4s में कंपेरिजन करना है तो 3s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में 3p में और बाद में 4s में। ये कैसे निकाला? क्योंकि ये सब कुछ जो बेस्ड है वो बिल में निकालो। n + l का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो पहले वाले के लिए n + l कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए n + l कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए n + l कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फोर्थ वाले के लिए कितना हो जाएगा? 3। n + l रूल कहता है कि जब n और l का वैल्यू n + l का वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो 3s का एनर्जी 2p से ज्यादा है।
फिर यहां पर एन प्लस एन निकाले कितना हो जाएगा, थ्री, या एन प्लस एन निकाले कितना हो जाएगा, फोर, और एन प्लस एन निकाले फोर एस के लिए ये कितना हो जाएगा, फोर। तो जब एन प्लस एल वैल्यू सेम होती है तो जिसका एन का वैल्यू ज्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये हमने ओब्वो रूल के अंदर एन प्लस